मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं अराइवल 18P। आज हम जिस ट्रैक्टर की बात करने जा रहे हैं वह एक ही कंपनी के द्वारा दो अलग अलग देशों में इंडिया और पाकिस्तान में लॉन्च किए गए 50 HP के ट्रैक्टर हैं। हम बात कर रहे हैं मैसी फर्गूसन की। इंडिया में मैसी के ट्रैक्टर टैफे बनाती है, वहीं पाकिस्तान में मैसी के ट्रैक्टर मिलर ट्रैक्टर्स बनाती है। हमने इसमें दो न्यू लॉन्च ट्रैक्टर लिए हैं, इंडिया का मैसी फर्गूसन 80/55 मैग्ना ट्रैक व पाकिस्तान का MF 2400 है। तो चलिए देखते हैं कौन से देश की कंपनी अपने देश के किसानों को अच्छा ट्रैक्टर प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तानी मैसी फर्गूसन 2400 की बात करें तो यह मैसी की ओल्ड लुक के साथ आता है। फ्रंट में दो हैलोजन हेडलैम्प्स मिलती हैं, बीच में मैसी का लोगो मिलता है। फ्रंट हिस्सा एडजस्टेबल है, इसमें नीचे पायदान आते हैं, यह भी मैसी की ओल्ड लुक को ही दर्शाता है। अगर हम इसके इंजन और डायमेंशन की बात करें तो यह 50 HP का ट्रैक्टर है और यह 2250 रेटेड RPM पर अपने पूरी ताकत प्रोड्यूस करता है। इसका जो टॉर्क है वह 172 Nm का टॉर्क है। ओवरऑल जो लेंथ है 3260 mm है, विड्थ है 1651 mm, व्हील बेस 1892 mm, हाइट जो है इसकी वह 2145 mm है। क्लच जो है इसका ड्यूल मिलता है। फ्यूल टैंक है वो आपको ये इसका 47 लीटर का मिलता है। गियर टाइप जो है वह स्लाइडी मैश गियर बॉक्स है और 8+2 सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है इसमें। टायर साइज है वह आगे के 6/16 के मिलते हैं और रियर टायर मिलते हैं 14/9/28 के। PTO जो है इसका लाइव PTO है और 540 लाइव PTO आता है और 1790 RPM पर यह अपनी 540 चक्कर पूरे करता है। हाइड्रोलिक है, 1414 क्विंटल की इसमें हाइड्रोलिक कैपेसिटी आती है, 14.15 किलो की हाइड्रोलिक आती है और ड्राफ्ट और पोजीशन कंट्रोल के साथ आता है। स्टेयरिंग जो इसमें मैन्युअली स्टेयरिंग है, कोई पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। डैशबोर्ड की जो लुक है वह ओल्ड मिट्टी डिजाइन में ही आता है और मोबाइल चार्जर इसमें नहीं है। एयर क्लीनर है वह ऑयल बाथ एयर क्लीनर आता है। ब्रेक इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं। इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें डिफरेंशियल लॉक आता है। इसके अलावा आपको इसमें पीछे की साइड दो ऑक्सिलरी वाल मिल जाएंगे लेजर लेवर के लिए या ट्रॉली वगैरह के लिए, ये भी एक अच्छी बात है। पंप इसमें 3 सिलेंडर पंप में आता है ये और इनलाइन पंप के साथ आता है ये और ये डेल्फी का पंप होता है इसमें और बाकी सब कुछ इसमें वही ओल्ड लुक में आता है मैसी की में, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम बात करें मैसी फर्गूसन 80/55 मैग्ना ट्रैक की तो इस ट्रैक्टर का लुक बहुत ही शानदार और दमदार है। इसका डिजाइन एरोडायनामिक मिलता है, यह मैसी की स्मार्ट सीरीज की तरह ही दिखता है। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती हैं, बीच में मैसी का लोगो दिया गया है। एरोडायनामिक डिजाइन की वजह से यह काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। इसका फ्रंट एक्सल काफ़ी हैवी ड्यूटी है तथा नॉन एडजस्टेबल है। इसका बोनट सिंगल पीस दिया गया है, इसी के अंदर इसकी बैटरी दी गई है। इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट टैंक व बड़ा रेजिस्टर दिया गया है। अगर हम इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है और सस्पेंडर टाइप क्लच और ब्रेक दिए गए हैं। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है, साइड शिफ्ट गियर लीवर होने के कारण काफ़ी आसानी रहती है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल व एनालॉग दोनों में ही मिलता है। पीछे दो ऑक्सिलरी वाल्व भी दिए गए हैं लेजर लेवर व मल्टीप्लॉ के लिए। पिछला हिस्सा सादा ही मिलता है इसमें, बैटरी वगैरह बैटरी डिडक्शन में नहीं आता है। इसका एयर क्लीनर ड्राई टाइप मिलता है। एरोडायनामिक डिजाइन में पूरी लुक व
आगे मेसी का लोगो बड़ा ही शानदार लगता है। इसके अलावा हम इसके इंजन और डायमेंशन की बात करें तो जो इसकी पावर रेंज है वह 36.7 किलोवाट है, मतलब ये 50 एचपी का ट्रैक्टर है। मैक्सिमम जो इसकी टॉर्क है वह 200 Nm है। ट्रांसमिशन टाइप है कॉन्फी मैश, मतलब फुली कॉन्सेंट मैश गेयरबॉक्स है इसका। क्लच टाइप ड्यूल क्लच है ये, एक ही क्लच में दोनों क्लच काम करेंगे एक ही पेडल में। तो नंबर ऑफ स्पीड, मतलब जो गियर है ये 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला इसमें गियरबॉक्स है। ब्रेक ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें, और स्टेयरिंग जो है वह पावर स्टेयरिंग ही आता है इसमें, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ब्रेक में भी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसमें भी आपको मल्टी डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। PTU टाइप है वह रिवर्स PTU है, 540 और रिवर्स PTU आपको इसमें मिलता है। व्हील बेस है, जो इसका व्हील बेस है वह 2000 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 430 mm है। और जो हाइड्रोलिक है, मैसी इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक कहता है। और लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी 18 क्विंटल की है। फ्रंट टायर का जो इसका साइज है वह है 750/16 का। रियर टायर जो हैं, बैक के जो टायर हैं वह 14/28 और 16/28 दोनों ही ऑप्शनों के साथ मिलते हैं। 60 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। इसके अलावा जो इसमें एक्सेसरी जाती है उसमें ट्रांसपोर्ट लॉक और वाटर बॉटल होल्डर आता है, मोबाइल चार्जर आता है इसमें, और होल्डर भी आता है जिसमें आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं। टोटल वेट जो इसका ट्रैक्टर का है वह है 2240 किलोग्राम, और ओवरऑल लेंथ है जो इसकी 3460 mm है। ओवरऑल विड्थ 1800 mm है इसकी। अगर हम इसके इंजन की बात की जाए तो मैसी फर्गुसन 80 PH मैग्नाट्रैक का जो इंजन है वह 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर का इसका इंजन है और माइक्रो बॉस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप आता है। 50 HP का इसमें इंजन है, और यह इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी है, मतलब सीसी है, जो 3300 cc का ये इसमें इंजन आता है। और इंजन रेटेड RPM 2200 है। वाटर कूलर ये है इंजन है, कूलेंट वाला, और एयर फिल्टर ड्राई टाइप है। एयर फिल्टर जो इसका है वह ड्राई टाइप है, ऑयल बाथ वाला इसमें नहीं है। इसमें एक ही ऑप्शन है ड्राई टाइप वाला बहुत ही अच्छा रहता है ऑयल बाथ वाले से। और PTU की जो HP है वह 46 HP का PTU पावर है, वह 46 HP की है। अंत में अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का मैसी फर्गुसन 80 PH मैग्नाट्रैक बहुत आगे निकल जाता है पाकिस्तानी मैसी फर्गुसन 2400 से। सो धन्यवाद, जल्द मिलेंगे एक और नई कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।